Good morning friends, welcome back to my channel. Today I am going to talk about this Cetaphil lotion. ये basically मुझे dermatologist ने recommend किया था when I went for my skin problem. Like कुछ time ऐसा आता है when you try you know lot of products on your face, कुछ creams होती हैं आपको react कर जाती हैं या फिर आपकी food habits इतनी अच्छी नहीं होती हैं, somehow junk food की वजह से आपको pimple breakout हो जाते हैं. तो just because of that reason I went you know 6-7 months earlier for डर्माटोलॉजिस्ट. उन्होंने मुझे एक लाइक बेसिकली एक मॉइस्चराइज़र रिकमेंड किया था. इसके बाकी अदर रेंज के बारे में मैं बाद में बात करूँगी. सेटाफिल का ये लोशन है, बहुत पॉपुलर है मार्केट में ऑलरेडी. ये कनाडा का ये ब्रांड है. मेरे पास जो साइज़ इसका अवेलेबल है 118 ml है और 695 का अप्रॉक्स, आई मीन ये 700 का ये प्रोडक्ट हो गया. लाइक 100 ml अप्रॉक्स समझ लीजिए इसको और 695, तो इकोनॉमिकल है. बिकॉज ऑफ द रीज़न ये क्वालिटी ऑफर करता है और जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है या ऑल स्किन टाइप, लाइक किसी भी तरह की स्किन टाइप के जो लोग हैं इस प्रोडक्ट को ईजिली यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ द रीज़न ये बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है, एवरीडे यूज़ के लिए है, लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है और आपके फेस को बॉडी को इजीली हाइड्रेट करता है. एंड दिस इज़ अ नॉन ग्रीसी फॉर्मूला. तब आप अगर इस प्रोडक्ट को हैंड्स पे लेंगे एंड देन इफ यू विल फील द प्रोडक्ट, तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है. विद इन 2 मिनट्स में ये स्किन के अंदर से कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता. बहुत ईजी से एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टिल स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है. इवन आज भी मैंने अपने फेस में एज अ मेकअप बेस एज अ नेचुरल लाइक काफ़ी अच्छा क्वान्टिटी इसका एज अ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लगाया है फेस पे. देन मैंने अभी फिटमी फाउंडेशन वेयर किया हुआ है और मुझे लगता है काफ़ी नेचुरल लुक इसने मेरे फेस पे दिया है. तो मैं आपको इसके बारे में और आगे बता देती हूँ. ये प्रोडक्ट बेसिकली डर्माटोलॉजिक टेस्टेड है. काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट मेंशन है बट वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. एंड मैं इसका आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ. जो लोग दूर रहे हैं ड्राई स्किन वाले या ऑल स्किन टाइप में किसी भी तरह के एक ऐसा मॉइस्चराइजर जो बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे स्किन पर, तो आप इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं. जस्ट हैव अ लुक कि इसने कितने अच्छे से मेरे स्किन को यहाँ मॉइस्चराइज किया है. इवन किसी भी तरह का कलर या किसी भी तरह का फ्रेग्रेंस इसमें नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ आपने यूज़ किया है. तो जो लोग ढूंढ रहे हैं कि प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस चाहिए या कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक अच्छा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है ये और किसी भी तरह का रिएक्शन फेस पे नहीं करता है. कोई बॉयल नहीं आएंगे. अगर आपके बॉयल्स आ चुके हैं या किसी भी तरह की प्रॉब्लम रिएक्शन हो चुका है, तो भी आप इस सेटाफिल मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर सकते हैं. इवन आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो भी इस हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर सकते हैं. ये बिल्कुल भी स्टिक की नहीं है फ्रेंड्स. तो मेरा एक्सपीरियंस इसका 1 मंथ यूज़ किया हुआ है. आई मीन ये प्रोडक्ट मैंने जस्ट हाफ प्रोसेस को फिनिश किया है, बट समहाउ अगर मुझे हैंड के लिए कोई क्रीम नहीं मिलता है तो क्विकली अगर मुझे पिक करना होता है, यूज़ करना होता है, उसको मैं हैंड पे भी यूज़ कर लेती हूँ. तो ये मल्टीपर्पज़ है, होल बॉडी के लिए, हैंड्स के लिए, फेस के लिए. आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ लाइक वन ऑफ द टॉप मोस्ट हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स लाइक फेस के लिए मॉइस्चराइजर है ये. I would say with the closed eyes without thinking any, you know, even you know मेरे बेबी बॉय को भी डॉक्टर ने somehow एक बार रिएक्शन हो गया था उसके बॉडी पे, तो कुछ बॉयल्स आ गए थे. तो somehow ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए दिया था कि आप एंटायर बॉडी पे, फेस पे सेटाफिल लोशन को लगा सकते हैं. तो दिस इज़ समथिंग वेरी लाइट एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. तो अगर आपको अभी तक कुछ अच्छा मॉइस्चराइज़र आपके लिए नहीं मिला है और आप ट्राई करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए है, आपको ज़रूर पसंद आएगा. थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए. मैं नेक्स्ट वीडियो में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी. इससे पहले मैंने अदर वीडियोस भी बनाए हैं, उसमें मैंने एक फेसेस कनाडा का मॉइस्चराइज़र, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र पे रिव्यू किया है. तो आप उसको मेरे लाइक चैनल पे सब्सक्राइब करके, इवन यू कैन चेक आउट इन माई लाइक अदर वीडियोज़ एज वेल. हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र में मैंने काफ़ी अदर एंटी एजिंग रेंज के भी मॉइस्चराइज़र अपने वीडियोज़ में बनाए हुए हैं उनके ऊपर, तो आप चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं. एक VLCC का मॉइस्चराइज़र है, हनी जो है वो विंटर्स के लिए आई मीन काफ़ी अच्छा है. जिनकी ऑयली ड्राई स्किन है बेसिकली, वो उसको ट्राई कर सकते हैं. तो इवन मेरे चैनल पे आपको हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर्स के साथ साथ ऑयली स्किन टाइप के लिए क्रीम्स कौन सी रहती हैं और
ड्राई स्किन के लिए कौन सी क्रीम यूज़ करनी चाहिए, वो सारी डिटेल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी अगर आप वीडियोस को चेक करेंगे तो. तो अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा बहुत पसंद आता है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल बटन होता है मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हर बार आपको मिलते रहेंगे, आप उसको प्रेस करना मत भूलिएगा. और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है गाइज, विदाउट थिंकिंग आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए. बाय बाय, टेक केयर, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ.